नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। विंध्य क्षेत्र की जनता कई वर्षों से लगातार यह मांग कर रही थी कि रीवा से भोपाल तक एक ट्रेन और चला दी जाए, क्योंकि रेवांचल एक्सप्रेस में लंबी वेटिंग रहती है। कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है कि 3 महीने पहले भी अगर कोई रीवा से भोपाल या भोपाल से रीवा की टिकट निकालना चाहता है तो उसको वेटिंग ही मिलती। ऐसे में विंध्य क्षेत्र के लोग कई वर्षों से यहाँ के नेताओं से लगातार यह मांग कर रहे थे कि एक और ट्रेन चला दी जाए, लेकिन विंध्य क्षेत्र के किसी नेता ने रेल मंत्री से मिलकर रीवा से एक और ट्रेन भोपाल चले इस बात की सुविधा नहीं दिला पाए। लेकिन भोपाल के विधायक भगवान दास सावनानी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस संबंध में बात की और मांग की कि भोपाल से रीवा की एक और ट्रेन चलाई जाए, क्योंकि हमारे विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से ज़्यादा विंध्यवासी निवास करते हैं। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि भगवान दास सावनानी भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस तरीके की मांग की थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भगवान दास सावनानी की इस मांग पर विचार किया और इस बात की स्वीकृति प्रदान कर दी कि एक ट्रेन भोपाल से रीवा और चलाई जाएगी, जो शुक्रवार और रविवार के दिन भोपाल से चलेगी तथा शनिवार और सोमवार के दिन रीवा से चलेगी। फिलहाल इस ट्रेन के चल जाने से निश्चित तौर पर विंध्य क्षेत्र के निवासियों को काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। जैसे ही यह ट्रेन चलेगी, विंध्य क्षेत्र के नेता झंडी दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे, श्रेय लेने की भी कोशिश करेंगे कि यह ट्रेन हमने चलवा दी। लेकिन आम जनता को यह बताना जरूरी है कि जब विंध्य क्षेत्र का कोई नेता इस बात का श्रेय लेने की कोशिश करे कि हमारे प्रयास से यह ट्रेन चल गई है तो वह झूठ बोल रहा है। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भगवान दास सावनानी को एक पत्र लिखकर इस बात की सूचना दी है। उम्मीद की जा रही है कि यह ट्रेन 2 अगस्त से शुरू हो जाएगी, जिसके चलते रेवांचल एक्सप्रेस का कुछ लोड तो कम होगा। हालांकि जिस तरीके से रीवा से भोपाल और भोपाल से रीवा के बीच सवारियां निकलती हैं, उस हिसाब से इस दूसरी ट्रेन को भी नियमित तौर पर चलाया जाना चाहिए, तभी रीवा और विंध्य क्षेत्र के निवासियों की समस्या का वास्तविक समाधान हो पाएगा। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।